हेलो दोस्तों, करंट लगने पर इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन क्यों, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का आज के समय में हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और अगर हम इसका इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से करें तो ये इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अगर आप इसके इस्तेमाल करने में लापरवाही बरतते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली जितनी हमारे लिए लाभदायक होती है उतनी ही हानिकारक भी होती है अगर इसका इस्तेमाल सही से ना किया जाए तो। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि बिजली के झटके से किसी की जान भी जा सकती है, और आपने कई बार इसे टीवी और न्यूज़पेपर में सुना और पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिजली के झटके से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? कई बार आपको जल्दबाजी में या आपकी लापरवाही की वजह से बिजली का झटका तो जरूर लगा होगा, और आप तभी समझ गए होंगे कि बिजली कितनी पावरफुल और खतरनाक होती है। करंट लगने पर इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इंसान के शरीर में 65-70% तक पानी होता है, लेकिन जब किसी इंसान को करंट लगता है तो ये बिजली या करंट हमारे शरीर में मौजूद पानी को पूरी तरह सुखा या जला देता है, और ऐसा होने की वजह से हमारे शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है। और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो शरीर में खून का प्रवाह काफ़ी धीमा हो जाता है, जिससे खून शरीर के सारे अंगों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और फिर इंसान की मौत हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारा शरीर कितने मिली एम्पियर तक बिजली सहन कर सकता है। जैसा कि नॉर्मली ये सब बातें हमें पता नहीं होती, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये बातें पता हो जाएगा। हमारा शरीर लगभग 1 मिली एम्पियर तक बिजली सहन करने का क्षमता रखता है, लेकिन ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने से शरीर को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, और 5 मिली एम्पियर तक हमारे शरीर को थोड़ा झटका महसूस होगा। लेकिन आम तौर पे इस बिजली से लोग झटके खाकर छूट जाते हैं। इसमें काफ़ी हद तक हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता है, पर कभी कभी चोट आ जाती है इस झटके के कारण। 6 से 16 मिली एम्पियर इस मात्रा का करंट काफ़ी दर्द भरा होता है। व्यक्ति अपने शरीर पर से नियंत्रण खोने लगता है। इस स्थिति को लेट गो स्थिति कहा जाता है। 17 से 99 मिली एम्पियर करंट की यह मात्रा श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। शरीर के अंग और मसल सिकुड़ने लगते हैं। इस स्थिति में आदमी करंट में से छूट नहीं पाता और मौत की संभावनाएँ अधिक हो जाती हैं। 100 से 2000 मिली एम्पियर यह बहुत अधिक मात्रा का करंट है, जिसके कारण हृदय अनियमित कार्य करने लगता है और धीरे धीरे सारा शरीर सिकुड़ने लगता है और मृत्यु हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि करंट लगने से मौत क्यों हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।